यहाँ पे किसी दौर में बहुत तकरीबन 50 से 100 फुट टोया होता था। बुजुर्ग हमारे आते थे, एक छोटा सा दिया जला के बैठते थे और टेबी कार्ड जला के बैठते थे। वो आज़ादारी उन्होंने वहाँ से कायम की है। ये तकरीबन 5-6 शक्लों में ये इमाम बारगाह चेंज हुआ है। ये जगह बरतानिया एक गैर मुसलमानों ने आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वक्फ की थी। ये जो इमाम बारगाह है इसको शक्ल दी गई है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरा नाम मलिक शजर अब्बास खोखर है। मेरे वालिद साहब का नाम मलिक इरशाद हुसैन खोखर झाड़ू बरदार हैं। इस इमाम बारगाह के वो बानी भी हैं, झाड़ू बरदार भी हैं। ये इमाम बारगाह हुसैनाबाद अल मारूफ इमाम बारगाह काशी ग्रास के नाम से मशहूर है बड़ा। ये तकरीबन 1935 में ये इमाम बारगाह कायम हुआ है। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वाले साहब के बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था रुकनुद्दीन। उनसे लेके आज तक नस्ल बर नस्ल इस इमाम बारगाह में आज़ादारी का सिलसिला जारी है और उन बुज़ुर्गों की मेहनत से ये इमाम बारगाह की संग बुनियाद भी रखी गई है और इमाम बारगाह की आज़ादारी भी कायम की गई है। ये तकरीबन 5-6 शक्लों में ये इमाम बारगाह चेंज हुआ है। तकरीबन ये 10 साल पहले कुछ था, उससे 20 साल पहले कुछ था, 25 साल पहले कुछ था। ये वो इमाम बारगाह जिस ये जगह बरतानिया एक गैर मुसलमानों ने आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए वक्फ की थी और इसको इमाम बारगाह का लाइसेंस भी दिया, रूट भी दिया, नक्शा भी दिया, बहुत सारे फैसिलिटीज़ आज़ादारों को दी हैं। तो अब हमारी हकूमत वक्त, हकूमत पाकिस्तान हमें चार दीवारी में बाउंड करना चाहती है। लिहाजा हम जैसे हमें आज़ादारी हुसैन के रूट मिले हुए, इंशाल्लाह ये ता क़यामत ये रूट भी आबाद रहेंगे और शिया कौम इस रूट पे आज़ादारी हुसैन और या हुसैन करते हुए गुजरेगी भी सही। ये जो इमाम बारगाह है इसको शक्ल दी गई है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की। हमारे चंद एक मोमिनीन या मुसलमान भाई या अहले सुन्नत जमात के लोगों की दिल की ख्वाहिश होती है कि मैं करबला मोहल्ला जाऊँ। अगर वो करबला मोहल्ला नहीं जा सकते तो ये भी हमारी एक हुसैन की करबला मोहल्ला है, जिसे जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा बेटा भी था, नवासा भी था, पोता भी था, जो कुछ कहें सब कुछ था। हम शक्ल पैगंबर जनाब शहजादे अल अकबर, ऐसे रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस इमाम बारगाह को शक्ल दी गई है। जो आदमी ज़ियारात करबला मोहल्ला या ईरान इराक शाम नहीं जा सकते, यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की शक्ल में एज ए ज़ियारत कर सकते हैं। जिस हालत में ये इमाम बारगाह तामीर हुआ था, हर साल इस इमाम बारगाह में तब्दीली पैदा हो रही है कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल इस इमाम बारगाह की जो छत है वो छत नहीं है। मौसम के लिहाज से इस मतबा बहुत परेशान हुए हैं। इंशाअल्लाह 2023 में इस इमाम बारगाह की छत भी होगी और आज़ादारों को बहुत फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी। ये तकरीबन 3 साल में तैयार की गई है। इस पर लागत तकरीबन 7 से 8 करोड़ 10 करोड़ भी हो सकती है और जो इसका आर्किटेक्ट था वो भी बेचारा खुदा को प्यारा हो गया। जो मिस्त्री थे वो भी, उनमें से एक जिंदा है, 3 फौत हो गए हैं। जो मजदूर थे वो तो किसी ज़िले का था, किसी ज़िले का था, उनको उनका हमें पता नहीं है कि वो कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं रहते थे, क्योंकि वो मजदूरी करते थे। मिस्त्री जो थे, इसको बनाने वाले, कायम करने वाले, जिन्होंने मेहनत मजदूरी की है, वो टोटल 4 मिस्त्री थे, 3 फौत हो गए, 1 जिंदा है जिसने नक्शा दिया था, वो भी बेचारा खुदा को प्यारा हो गया। हमारी दुआ है कि खुदा ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम दे। सरिया, बजवी, रेत, सीमट, ईंटें और जो सरिया था जितने से जितना मोटा था उसमें हमने ज़मीन में बिछा के इस इमाम बारगाह की बिल्डिंग को तामीर की है। यहाँ पे किसी दौर में बहुत तकरीबन 50 से 100 फुट टोया होता था। बुज़ुर्ग हमारे आते थे, एक छोटा सा दिया जला के बैठते थे और टेबी कार्ड जला के बैठते थे। वो आज़ादारी उन्होंने वहाँ से कायम की है। आज उन्हीं बुज़ुर्गों की दुआ से ये इमाम बारगाह इस पोजीशन में, इस मरकज़ की हालत में पहुँच चुका है।
कि हर आज़ादार की ख्वाहिश होती है कि दौलत गेट जाएँ, आज़ादारी सुन करें और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद सुने।